तमम की ऐतिहासिक और इनकलाबी धरती स्टेज पर मौजूद तेलंगाना के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के एक्स मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा जी और केरला के मुख्यमंत्री जो बोलकर चले गए हैं, और बाकी सभी बीआरएस पार्टी के नेतागण और ऑफिसर साहबान, और इतनी भारी संख्या में यहां पर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आने के लिए शुक्रिया। आपका एक एक कदम हमारे सर माथे पर। सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। आज एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम देखा जिसमें लोगों की आंखों का चेकअप होता है, बहुत बड़े लेवल पर चश्मे बांटे जा रहे हैं, और बहुत ही प्रभावशाली प्रोग्राम था जो देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि अगर इतनी भीड़ हो तो इसके लिए भी कुछ स्पेशल चश्मे बनाएं ताकि देख सकें हम भी। वो दूर तक नजर जाती है तो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये आपका प्यार है। आपने घर से पहला कदम जब इस रैली की तरफ, इस फंक्शन की तरफ बढ़ाया, वो पहला कदम बदलाव का कदम था। आपका यहां पे आना इस बात का सबूत है कि आप देश को प्यार करते हैं, आपको चिंता है कि देश कहां जा रहा है, आपको इस बात का ज्ञान है कि देश नफरत की राजनीति को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये देश एक गुलदस्ता है, अलग अलग रंगों के फूल हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हों। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जिस गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हों उसको ज्यादा देर देखा नहीं जाता। असल में फूलों की रंग की जो विभिन्नता है वही उसको गुलदस्ता बनाती है। तो आज देश क्या मांग रहा है? देश मांग रहा है रोजगार। यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ इंडिया, भारत, लेकिन युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने का, वो भी जुमला निकला। इन्होंने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करने का, जुमला निकला। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, जुमला। इन्होंने कहा था 15 लाख हर घर के खाते में आ जाएगा, जुमला। तो भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी जो है वो देश को मिसलीड कर रही है। वो हर चीज हथियाना चाहते हैं, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। जिस राज्य में जीतते नहीं है लोगों द्वारा, वहां पे बाई इलेक्शन द्वारा जीत जाते हैं। इस्तीफा दिलवा लो, खरीद लो बंदे, एमएलए खरीद लो, मतलब हिम्मत देखो। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में 250 में से 134 सीटें जीती, बहुमत है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं जितनी मर्जी आ जाएं मेयर हमारा बनेगा। ये क्या बात हुई भाई? ये लोकतंत्र है? ये तो लूट तंत्र है, ये लूट तंत्र है। लेकिन इनको ये नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि वक्त बहुत बड़ी चीज होता है। वक्त राजाओं
राजाओं से भीख मंगवा देता है वक्त, और भिखारियों के सर पे ताज टिका देता है वक्त। वक्त बहुत बड़ी चीज होता है, और ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और ऊपर जाके ये बीजेपी वालों की तरह अहंकार करे तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। बहुत बड़े बड़े उतारे हैं भाई साहब, बहुत बड़े बड़े। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो हुकूमत लोग जिसको दिल में जगह देते हैं उसकी होती है, ये छीनी नहीं जा सकती, ये खरीदी नहीं जा सकती। लोगों का प्यार खरीदा नहीं जा सकता, लोगों के प्यार की किसी करेंसी में कोई कीमत नहीं है। अभी जब से मैंने होश संभाला है, हर 15 अगस्त को लाल किला से तत्कालीन प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, मैं भी सुनता था। आज तक वही भाषण, अफसरों का लिखा लिखाया रटा रटाया भाषण लाल किला के सामने से, बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त, महंगाई पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त, और 15 अगस्त खत्म। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे देश के बारिशों, अगर देश की 130 करोड़ जनता की किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदल लो। अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे, कुछ तो नया कर दो। नहीं करते, अपने आप बारी आ जाती है। लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं था। पंजाब में ऐसी चल रहा था, 5-5 साल की बारियां चल रही थी, लेकिन तीसरा बदलाव आया आम आदमी पार्टी के रूप में। 117 में से 92 सीटें पंजाब में आई, पहली बार 92 सीटें आई किसी पार्टी की। और बड़े बड़े जो अपने आप को कहते थे हमें कोई हरा ही नहीं सकता, पूरे का पूरा खानदान हरा दिया उनका भाई साहब। ये पब्लिक है। और इनका क्या काम है, इनका काम है लूटना, सब कुछ बेच दिया, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, नदियां बेच दी, LIC बेच दी, रेलवे बेच दी, सिर्फ मीडिया खरीदा बस, बाकी सब कुछ बेचा है। सो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ अपनों के बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, जनता का कोई फिक्र नहीं है इनको। अगर किसी नदिया के घाट पर ये बीजेपी वाले बस जाते, अगर किसी नदिया के घाट पर ये बीजेपी वाले बस जाते तो लोगों के प्यासे होंठ दो बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सब कुछ अपने लिए, ये राज्य भी दे दो, ये राज्य, राज्यपालों से तंग, राज्यपालों को कहते हैं काम नहीं करने देना, स्कूल नहीं खोलने देने केजरीवाल को। केजरीवाल अगर चाहे कि मैं टीचरों को फिनलैंड जाके ट्रेनिंग दिलवा के दिल्ली के बच्चों के लिए लेटेस्ट शिक्षा का प्रबंध करूंगा, कहते नहीं जा सकते, यहीं रहो। और जब वैसे केजरीवाल के स्कूलों के बारे में कोई फाइल नहीं आगे बढ़ती कि अच्छे हो जाएं, जब ट्रंप की पत्नी ने कहा मैंने सरकारी स्कूल देखने हैं, तब केजरीवाल वाला स्कूल दिखाना पड़ा, क्योंकि पता था उनको कि हमारे वालों में कुछ है नहीं, इधर वाला दिखा देते हैं। तो ये है इनका, ये है इनका भारत का एजेंडा। तो मैं यही कह रहा हूं, काम हो सकता है अगर नियत अच्छी हो। यहां आए हैं कुछ सीखने आए हैं, ये वाला कार्यक्रम, ये आंखों का, क्योंकि पंजाबी में कहावत है दंद गए ता स्वाद गया, अखां गईया ता जहान गया, दांत गए तो स्वाद गया, आंखें गई तो जहान गया। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, हम तो सीख के गए हैं, पंजाब में भी मैं इसी तर्ज पर शुरू करूंगा सारा प्रोग्राम। ये अच्छी चीज कहीं से भी सीखी जा सकती है,
अच्छी चीज कहीं से भी सीख लो। ये नॉलेज शेयरिंग का जमाना है, स्टार्टअप का जमाना है, दुनिया गांव बन गई है, कहीं से भी कुछ भी सीख लो। तो मैं तो आज आपको ये कहने के लिए आया हूं और बधाई भी देने आया हूं आपके मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने संघर्ष किया और तेलंगाना के लिए संघर्ष किया और तेलंगाना देश में चमक रहा है। और देश, क्योंकि देश देश जो है वो रंग बिरंगे फूलों का देश है। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, ये कह रहे थे, डिबेट चल रही थी, दो दो घंटे के भाषण दे रहे थे ये बीजेपी वाले, इस समाज को ये बरादरी, ये समाज। मैंने कहा जी मुझे टाइम दे दीजिए, कहते टाइम है नहीं। मैंने कहा जी 30 सेकंड दे दीजिए स्पीकर साहब, कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे। मैंने 30 सेकंड में बोला, 30 सेकंड में मैंने कहा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सब कुछ आ गया इतने में, यहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो पंजाब में 100 मोहल्ला क्लिनिक ने 15 अगस्त को बना दिया था, 26 जनवरी तक 400 और 500 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, स्कूलों का कायापलट कर रहे हैं, एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, करप्शन हमने लगभग बंद कर दी। और पकड़ पकड़ के इनके कांग्रेस के जो करप्ट नेता थे वो जेल में हैं। और कांग्रेस के बारे में तो ये मशहूर हो गया अब कि कांग्रेस किसी भी स्टेट में चेंज नहीं है, एक्सचेंज है। वो तो बस किसी की 2-4 एमएलए कम है तो कांग्रेस से खरीद लो, बहुमत जरा और तगड़ा करना है तो इधर से खरीद लो। वो तो कांग्रेस को तो अपने ऑफिस पे लिख लेना चाहिए, यहां पर लोगों द्वारा जिताए गए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं, ये हालत है उनकी। उनका भी उतना ही कसूर है इस देश की बर्बादी में जो आजकल चल रही है बर्बादी। तो देश नंबर वन बनाना है ना। सब कुछ दिया इस देश को भगवान ने, हर किस्म का मौसम दिया, पहाड़ दिए, नदियां दी, कोयला दिया, मारुथल, पानी, समंदर, क्या। और इतने मेहनती लोग, 130 करोड़, बस एक चीज नहीं दी, सच्ची नीयत वाले नेता बहुत कम दिए हैं। सच्ची नीयत वाली सरकार आ गई देश में, यही देश नंबर वन बनेगा, यही देश नंबर वन बनेगा। और मैं आखिर में मैं दो नारे लगवाऊंगा, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जब अंग्रेजों से के साथ लड़ रहे थे आजादी के लिए, तब वो नारा लगाते थे और उस नारे से अंग्रेजों की महलों की खिड़कियां कांप जाती थी। दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाना है, उनकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। चलो हैं अभी खम्मम में लोग जिन्होंने हमारा इनकलाब का नारा दिया बुझने नहीं दिया, इस दिए में चाहे हमें तेल की जगह अपना खून डालना पड़े लेकिन इनकलाब का दिया बुझने नहीं देना। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, इनकलाब। लोगों को अक्सर कहते सुना है, लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया।